अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल मेहक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बालों या सर पर होने वाली खुश्की से रिलेटेड है। ड्राइनेस की वजह से सर में ज़्यादातर खुश्की हो जाती है, जिसे हम सराउसिस भी कहते हैं, और अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाए तो सर पर ज़ख़म भी पड़ जाते हैं। चुनाचा इसको दूर करने के लिए जो रेमेडी मैं आपको बताऊँगी, वो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करनी है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, 2 टेबल स्पून आप दही ले लें, और आपने लीमू लेना है आधा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। एलोवेरा जेल, दही 2 टेबल स्पून लेना है आपने, और लेमन आपने हाफ लेना है। हाफ लेमन मेरे पास पहले से है, मैं इसको ऐड कर देती हूँ। इसको आपने अच्छी तरीके से मिलाना है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि अगर आपके सर में खुश्की की वजह से ज़ख़म ज़्यादा हो गए तो लीमू की मकदार कम रखिएगा, यानी अंदाजन तकरीबन चंद कतरे, 3 से 4 कतरे मिला लें। आपने ये मिक्सचर अपने बालों की जड़ों पर यानी स्कल्प पर लगाना है नहाने से आधे घंटे पहले। आधा घंटे के बाद आप सर किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। माइल्ड शैम्पू भी आप घर पर बासानी बना सकती हैं। मैं माइल्ड शैम्पू की वीडियो पहले बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर माइल्ड शैम्पू आपके पास अवेलेबल नहीं, तो अपने ही शैम्पू में आप पानी मिलाकर अपने बालों पर अप्लाई कर सकती हैं। इस मिक्सर से ना सिर्फ आपके सर की खुश्की दूर होगी, बल्कि एलोवेरा जेल की वजह से बाल हेल्दी होंगे और लीमू और दही की वजह से बालों में शाइन आ जाएगी। हफ्ते में 2 दफ़ा आप ये रेमेडी आज़मा सकती हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।